नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जो भूगोल के, ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चंस है वो डिस्कस हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज ही हमारी क्लास 10 है और जैसा कि मैंने बताया था कि डेली 10 बजे जो है मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होगी, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ज्योग्राफी के आज हम क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट केटू है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊँचा पर्वत है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी केटू ना पूछकर गॉडविन ऑस्टिन भी दे देता है या फिर माउंट केटू का दूसरा नाम पूछ लेता है, तो गॉडविन ऑस्टिन आप ध्यान रखेंगे। 8611 मीटर की ऊंचाई वाली यह चोटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी में है, काराकोरम रेंज में है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है सियाचिन हिमानी, आपने सुना होगा। और हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा LOC जो है उसके पास ये स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध स्थल भी है सियाचिन, जो वर्तमान में भारत पाक के मध्य विवादित है। और ताजिकिस्तान की जो फेज चैन को हिमानी है वो विश्व की सबसे बड़ी हिमानी है। जैसा कि मैंने बताया कि सियाचिन दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है विश्व की, तो पहली कौन सी है? फेज चैन को हिमानी, जो ताजिकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है और मणिपुरी पहाड़ियों के मध्य ये अवस्थित है, इम्फाल घाटी में। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक है, अवस्थित है, जहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है किबुल लाम झाओ अवस्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम बताओ, तो किबुल लाम झाओ है, जो मणिपुरी पहाड़ियों में ही अवस्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स और जो भी आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, ये सब हम डेली जो है हमारी इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो डेली जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है, तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो भी पूरा जो है कवर हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? वूलर झील है। और वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और झेलम नदी के मार्ग में ये झील आती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। उसके बाद में भारत का खाद्यान्न गृह यानी फूड ग्रेन हाउस जो है वो किसे कहा गया है? तो भारत का फूड ग्रेन हाउस जो है उत्तर भारत का मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स को कहा गया है। और नॉर्दर्न प्लेन्स को क्यों कहा गया है? क्योंकि उच्च उर्वरता और कृषि उत्पादन के कारण, ज़्यादा कृषि होती है, वो यहाँ फर्टाइल प्लेन है, उर्वरता काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इस मैदानी भाग को भारत का खाद्यान्न गृह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो फूड ग्रेन हाउस किसे कहते हैं? उत्तर भारत के मैदान को। उसके बाद में भारत का खनिज ग्रह, खनिज ग्रह की बात करें तो मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। तो खनिज ग्रह किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है और ये पूर्वी पठार का अंग है, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों की विविधता और एवं प्रचुरता पाई जाती है, इसीलिए इस पठार को भारत का खनिज ग्रह कहा जाता है। काफ़ी बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए, वैसे तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कवर किए गए वो सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनरल हाउस ऑफ इंडिया आप ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। उसके बाद में भारत के किस बेसिन क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन को। तो महानदी बेसिन क्षेत्र जो है कुड़प्पा कालखंड की चट्टानों में, उसे छत्तीसगढ़ बेसिन और उड़ीसा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो और ये इसी यही जो छत्तीसगढ़ बेसिन है इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया।
उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी को ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी बार 200 एग्जाम में पूछा गया है। यह प्री कैम्ब्रियन कालखंड की वलित पर्वत श्रेणी है, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित होने के कारण इसे ब्लॉक माउंटेन भी ये कहलाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा श्रेणी को ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील जो है वो चिल्का झील है, और ये जो चिल्का झील है ये कहाँ है? ये उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है, जो भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लगून झील है, इसे चिल्का ना कहकर चिल्लिका झील के नाम से भी जाना जाता है, और दिसंबर से जून तक इस झील का जल जो है वो खारा रहता है, दिसंबर से जून तक खारा रहता है, और वर्षा ऋतु में इसका जल जो है वो मीठा हो जाता है, यानी इस वक्त इसका जल क्या है? मीठा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की किस झील के मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? दोस्तों ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस झील के मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो ये पुलिकट झील में है, और पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु के तट पर स्थित एक लगून झील है, जो समुद्र से बालू की भित्ती अलग होने के कारण बनी है, और इसे आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया है, वेटलैंड में भी इसे शामिल किया गया है, और इसके मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप है जहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पुलिकट झील, जिसके मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।